हाय एवरीवन, ये मेरा मुगल मिनिएचर्स की MCQ सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस करे थे, अब हम अगले के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करते हैं। इसमें कुछ एजर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन भी समझेंगे और एंड की स्लाइड्स में मैं आपके साथ मुगल पीरियड के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनके कुछ मेन आर्टिस्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मुगल्स और इन सब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। So our first question is, Mughal paintings influenced which of the following painting school? कि मुग़ल पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस इनमें से किन स्कूल्स पर पड़ा? ऑप्शंस आर पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पाल स्कूल एंड थंका स्कूल। पहाड़ी राजस्थानी आपने पढ़ा है, पाल स्कूल भी आपने, जहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर है वहाँ पे ये नाम है। सो पाल वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो इस पे हो नहीं सकता क्योंकि इसका टाइम पीरियड 9th सेंचुरी का है और ये स्कूल बहुत लेट आया है मुग़ल। तो मुग़ल का इन्फ्लुएंस था पहाड़ी और राजस्थानी में। थंका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नेपाल की जैसे तिब्बतियन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती है ना, उनको कहा जाता है। सो द आंसर इज पहाड़ी एंड राजस्थानी, सी ओनली 1 and 2। अ लार्ज पार्ट ऑफ मुगल पेंटिंग्स हैव बिन डोमिनेटेड बाय। मुगल मिनिएचर्स में सबसे ज़्यादा क्या बना है? क्या वो पोर्ट्रेट्स रहे, क्या वो मिथिकल पेंटिंग्स रही? मिथिकल होता है जो फैंटेसी या इमेजिनरी पेंटिंग्स होती हैं। हिस्टोरिकल रही या नन ऑफ दीज? हिस्टोरिकल पोर्ट्रेट ये बने हैं, बट पोर्ट्रेचर का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है मुगल मिनिएचर्स में। तो करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following has been painted on the wide borders of the Mughal paintings? हमने ये पढ़ा है कि जो borders हैं वो मुग़ल में एक बहुत स्पेशल फीचर रखते हैं और ऑर्नामेंटल बॉर्डर भी बहुत बना है। कई बार तो बॉर्डर को पेंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो इनका क्वेश्चन है कि वो बॉर्डर में किस तरह के पैटर्न्स या डिज़ाइनिंग बनी है? क्या उनमें ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं, फ्लावर्स एंड लीव्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं और नन ऑफ दिस? तो ज़्यादातर जो उनमें बना है वो है फ्लावर्स एंड लीव्स, उनके पैटर्न ज़्यादा बने हैं। नेक्स्ट इज द शाहजहाँ वॉज मोर इंटरेस्टेड इन। शाहजहाँ को किसका ज़्यादा शौक था? आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का, लिटरेचर का या नन ऑफ दिस? सो स्कल्पचर, लिटरेचर नहीं, शाहजहाँ वॉज मोर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सीन्स हैव नेवर बीन पेंटेड इन मुगल स्टाइल? ऐसे कौन से सीन्स हैं जो नीचे मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर कभी मुगल में काम नहीं हुआ? क्या वो सोशल लाइफ थी, या वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थी, या फिर डेली लाइफ थी, या नन ऑफ दिस? सोशल लाइफ राजा महाराजों की बनी है, वॉर्स एंड विक्ट्रीज भी बनाई गई हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये क्योंकि कोर्ट आर्ट था ना टोटल, तो डेली लाइफ से रिलेटेड सीन्स नहीं मिले हैं। सो द आंसर इज डेली लाइफ। द पेंटिंग फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट सिग्निफाइज वॉट? बर्ड, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट जब आप पेंटिंग देखते हैं तो ये क्या डिनोट करती है? लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्या उनको बहुत प्यार था बर्ड्स एंड एनिमल से, या फिर हेट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल और लव फॉर हंटिंग, और नन ऑफ दीज? सो इट्स लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्योंकि जहांगीर को रेयर बर्ड्स एनिमल्स बनवाने का बहुत शौक था। वो उनकी पेंटिंग्स बनवाता था और अपने कलेक्शन में रखवाता था। नेक्स्ट इज द रिदमिक एंड स्पायरल लाइन्स आर विजिबल इन विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? अब लाइन्स हमने पढ़ा है मिनिएचर में हर स्कूल में बहुत खूबसूरती से लगाई गई हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है मुग़ल में, चाहे वो कारपेट्स लें, चाहे आर्किटेक्चरल लें, चाहे किसी भी फॉर्म में कपड़ों के हो, ऑर्नामेंटेशन हो। तो उसमें हमने ये पढ़ा है या देखा है कि डिज़ाइन में रिदमिक एंड स्पायरल लाइन्स बहुत लगी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मुग़ल स्कूल, आंसर सी, ऑप्शन सी। हु हैड द मैक्सिमम नॉलेज ऑफ आर्ट अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स? किस एम्परर को आर्ट की बहुत नॉलेज थी? अब हमने अकबर भी पढ़ा कि उसने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और उसने बहुत काम करवाया आर्ट में, जहांगीर ने भी बहुत काम कराया। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें और अगर नॉलेज की बात करें तो किताबें ये कहती हैं कि जहांगीर को बहुत इंटरेस्ट था और इसकी इतनी क्रिटिक आई थी कि वो पेंटिंग देख के बता देता था कि अगर कुछ आर्टिस्ट ने मिल के बनाई है तो वो कौन सा पार्ट किस आर्टिस्ट का बना हुआ है, या आप उसमें पेंटिंग्स में फीचर्स किसके हैं, कैलीग्राफी किसका है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपका उसमें बहुत इंटरेस्ट हो और उतनी आप क्रिटिक आय रखते हो। सो द आंसर इज़ ए, जहांगीर। Which colors are mostly used in the painting Falcon on Bird Rest? अभी आपको किसी भी पेंटिंग जो सिलेबस में 4 है ना उनमें से किसी भी पेंटिंग का पूछा जा सकता है कि क्या कलर कॉम्बिनेशन उन पेंटिंग में यूज़ किया गया है. वेदर इट्स येलो ऑकर डार्क ब्राउन, ग्रीन येलो डार्क ब्राउन, येलो लाइट ब्राउन ऑकर, ऑरेंज येलो ग्रीन. सो इन सब पेंटिंग्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना, विजुअली अच्छे से दिमाग में बिठा लेना. सो द करेक्ट आंसर इज येलो लाइट ब्राउन एंड ऑकर. Next question is the best painting of उस्ताद मंसूर. उस्ताद मंसूर की कौन सी ऐसी best painting है? तो obviously ये वही आएगा जो आपके syllabus में है. So it's the Falcon on Bird Rest. It's the turkey cock, pink flower or none of these. So आप लिख सकते हैं Falcon on Bird Rest. Krishna is dressed in which color? इन पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. नॉर्मली कृष्णा को पीताम्बर में दिखाया जाता था, येलो कलर्ड क्लॉथ. तो जो पीले रंग के वस्त्र होते हैं उनको हम पीताम्बर बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज पीताम्बर. नॉट ग्रीन, नॉट ऑरेंज, नॉट ब्लू. ब्लू बॉडी होती है, लेकिन कपड़े पूछे गए हैं ड्रेस्ड. सो हम ये लिखेंगे पीताम्बर. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मुगल स्कूल ऑफ आर्ट? 16th to 19th century, 16th to 18th century, 15th to 18th century और 15th to 19th. So it's 15th to 18th century AD. इसका जो टाइम पीरियड है मुगल स्कूल ऑफ आर्ट का. The successful effort of natural ability instead of decorative design in the Mughal style was imaginative, realistic, natural or none of these. जो एक उन्होंने जो काम किया है या जो पेंटिंग्स बनाई हैं या जो दिखाया है वो बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया है. रियलिस्टिक मीन्स कि जो आप उस वक़्त देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, जैसा उनका शानो शौकत है, जिस तरह से एस्थेटिक्स है वहाँ का, वो सब उन्होंने एग्जैक्ट पकड़ा है. सो जो नेचुरल एबिलिटी इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिव डिज़ाइन इन द मुगल स्टाइल वॉज रियलिस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवोल्यूशन ऑफ मुगल स्टाइल कॉन्टिन्यूड अप टू द रूलिंग पीरियड. जो आपने पढ़ा है ना ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें क्या पूछा? इवेल्यूएशन, मतलब विकास कब तक हुआ मुगल स्टाइल का. तो मुगल स्कूल जो है वो शाहजहाँ या जहांगीर या औरंगज़ेब किसके टाइम तक विकास होता रहा? तो हम ये कहेंगे जहांगीर, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम पे नेचुरली पेंटिंग का लेवल हल्का सा नीचे आया था क्योंकि उसको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था. सो अगर हम विकास की बात करें तो वो जहांगीर तक का है. जहांगीर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन विच टाइप ऑफ सीन्स बीइंग पेंटेड. और ये भी आपने ओरिजिन में पढ़ा होगा कि जहांगीर को रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, अनयूजुअल फ्लावर, लीव्स भी वो बनवाता था, बट उसको बर्ड्स एंड एनिमल्स बनवाने का बहुत शौक था, जिसकी एक एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट आपके सिलेबस में भी है. सो द करेक्ट आंसर इज एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉन्डनेस जो होती है ना वो एक दो, मतलब कोई थीम आपको बहुत प्यारा हो सकता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एनिमल्स और बर्ड्स के अलावा जहांगीर के टाइम पे कुछ भी नहीं बना. जहांगीर के टाइम पे पोर्ट्रेचर भी बहुत बना है, सब कुछ बना है, लेकिन क्वेश्चन को समझें. जहांगीर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन विच टाइप ऑफ सीन्स, सो एनिमल्स एंड बर्ड्स. अ फेमस पेंटर ऑफ मुगल स्कूल हु पेंटेड द ट्रीज, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. वो फेमस पेंटर का नाम बताओ जो ज़्यादातर ट्रीज़, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स बनाता था. देखें, एनिमल्स एंड बर्ड्स आ गया ना, तो बर्ड पेंटर थे उस्ताद मंसूर. तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज उस्ताद मंसूर. वसावन और दसवंत ये इसका मतलब आंसर नहीं है. आंसर बी उस्ताद मंसूर. विच इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ मुगल पीरियड? मुगल्स में सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? बाबर, अकबर, तैमूर और हुमायूं. ये भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ते हैं या जब आपने एवोल्यूशन पढ़ा है या जैसे भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में है कि तैमूर डायनेस्टी इनकी सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है. मुगल्स वर फॉन्ड ऑफ गार्डन्स एंड रनिंग वाटर्स. मुगल्स के गार्डन्स भी बहुत फेमस हैं. हु इस्टेब्लिश्ड दिस ट्रेडिशन? किसने ईजाद किया था ऐसा वाला ट्रेडिशन या किसका शौक मतलब ये था? सो द आंसर इज बाबर. बाबर के टाइम पे ये सब शुरू हुआ था. नेक्स्ट इज द विच मुगल पेंटर हैज़ बीन नेम्ड एज द रफ़ाइल ऑफ ईस्ट? कौन सा ऐसा मुगल पेंटर था जिसको रफ़ाइल ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है या उसकी उपाधि दी गई है? रफ़ाइल जो थे वो रेनेसां के बहुत एक फेमस आर्टिस्ट, इटालियन आर्टिस्ट हुए हैं. सो जो बेहजाद है ना वो बेसिकली पर्शियन आर्टिस्ट था, ठीक है, और ये हेड भी था, और इनका ना एक यूनिक सा आर्ट है. यूनिक आर्ट आप कह सकते हैं कि मतलब इतना बढ़िया ये उस वक़्त आर्ट करते थे। इनको स्पेस का और कैरेक्टर को दिखाने की बहुत मास्टरी थी और इन्होंने कई आर्टिस्ट को इंस्पायर किया था और बड़ों को ट्रेंड करा है। सो बेहजाद वो आर्टिस्ट हैं जिनको रफ़ाइल ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इन विच मूड सेंट कबीर एंड रायदास आर शोन सिटिंग इन द पेंटिंग। कबीर एंड रायदास इस पेंटिंग में किस मूड में बैठे हैं? मेडिटेटिंग, हैप्पी, सैड और नन। सो इट्स रिटन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो दे आर सिटिंग इन अ मेडिटेटिंग मूड। विच बुक डिस्क्राइब्स द एंसेस्टर्स ऑफ अकबर। कौन सी किताब में अकबर के पूर्वजों के बारे में बनाया गया है या लिखा गया है या उनके पोर्ट्रेट्स हैं, क्योंकि ये उन्हीं की शान व शौकत में बनाई जाती थी ये चीज़ें। अकबरनामा, बाबरनामा, शाहनामा, आईने अकबरी। सो इट्स अकबरनामा जहाँ पे अकबर के पूर्वजों का एंसेस्टर्स के बारे में लिखा गया है और बनाया गया है। द कलर्स यूज्ड इन इलास्ट्रेशंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वॉज मेड फ्रॉम। जो कलर्स यूज़ किए जाते थे मुग़ल पीरियड में, जो पेंटिंग्स में लगाए जाते थे, वो किससे बनाए हुए हैं? मिनरल से, केमिकल से, सॉयल से, नन ऑफ दीज। तो हेयर आंसर इज मिनरल। लास्ट 50 क्वेश्चन जो पिछले मैंने कराए हैं उसमें भी मैंने दिया था, उसमें वेजिटेबल ऑप्शन दिया था और मैंने तब भी आपको बताया था कि ये मिनरल से भी बनाए जाते हैं, वेजिटेबल से भी बनाए जाते हैं और गोल्ड एंड सिल्वर भी यूज़ किया जाता था। तो ये इस तरह के अलग अलग हैं जो 4 तरह के हम कलर्स मिनिएचर्स में यूज़ किए गए हैं। सो ऑप्शंस आपने ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट इज द विच पेंटिंग वॉज मेड अंडर अकबर पीरियड। कौन सी इनमें से जो पेंटिंग है वो अकबर के पीरियड में बनाई गई है जो आपके सिलेबस में है? इट्स कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना और फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट और मैरिज प्रोसेशन और कबीर एंड रायदास। कबीर एंड रायदास शाहजहाँ के टाइम की पेंटिंग है। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह भी शाहजहाँ के उसके बाद का टाइम पीरियड की पेंटिंग है। फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट जहांगीर की है। सो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना अकबर के टाइम पीरियड की है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Mention the title of painting done by Haji Madni. Haji Madni की कौन सी पेंटिंग आपके सिलेबस में है? Options are marriage procession of Dara Shikoh, Kabir and Raidas, Falcon on Bird Rest, none of these. So, marriage procession of Dara Shikoh. Next is the Mughal art was secular and exhibits religious equality. Which of the following painting justifies the comment? कमेंट स्टेटमेंट क्या है कि मुगल आर्ट वॉज सेक्युलर, मतलब सेक्युलर मीन्स हर धर्म की पेंटिंग्स बनी हैं, एंड एग्जिबिट रिलीजियस इक्वलिटी, कोई भेदभाव नहीं था हिंदू मुस्लिम में, तो हर तरह का काम हुआ है। एंड इट्स ट्रू व्हेन वी सी द पेंटिंग्स लाइक कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना और कबीर एंड रायदास। बाकी तो आप मुगल्स छोड़ दीजिए क्योंकि इतना पूरा भी नहीं आप लोगों ने मुग़ल मिनिएचर पढ़ रखा। एक छोटा सा पार्ट है आपकी क्लास 12th की उसमें थ्योरी बुक्स में, तो उसमें आपके पास 2 पेंटिंग्स हैं जो इन थीम्स के साथ जुड़ी हुई हैं कि सेक्युलर हैं और एग्जिबिट्स रिलीजियस इक्वलिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ जस्टिफाइड। अब ये कौन सी पेंटिंग उसको जस्टिफाई कर रही है? वेदर इज़ फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, कृष्णा विद गोपीज, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना और नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। सो इट्स कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। ये दोनों पेंटिंग मुगल्स की नहीं है, ये दोनों हैं तो उनमें से कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द टाइटल ऑफ पेंटिंग डन बाय हाजी मादनी। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, कबीर एंड रायदास, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट और नन ऑफ दीन। इट्स मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जो मैंने बोला था एजर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। सो एजर्शन एंड रीज़न बेस्ड, जैसे मैंने अपने राजस्थानी के जब मैंने MCQs कराए मैंने वहाँ भी समझाया है कि एजर्शन का मतलब होता है कि दावे से की गई कोई बात और रीज़न का मतलब होता है उसका कारण। जब हम कोई बात रख रहे हैं, कोई ऐसा असर्शन रख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर तो वो ऑर्डर में है, जो बात बोली गई उसका रीज़न वही है जो नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया या कारण वो है जो नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया। सो उसमें आप टिक करेंगे बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीज़न जो है वो बिल्कुल असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि असर्शन एंड रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह सही हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि वो उसका रीज़न नहीं है बट अपनी जगह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सी पॉइंट आएगा ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, मतलब assertion सही है statement but reason गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा A इज़ फॉल्स, assertion की स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब assertion ही गलत है बट रीज़न इज़ ट्रू। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी गई है वो अपने आप में सच है बट assertion गलत है। सो इन चार ऑप्शंस के हिसाब से ना आपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस समझने हैं और सॉल्व करने हैं। मेरे साथ साथ ही करिए क्योंकि अब तक शायद आप लोगों ने मुग़ल वगैरह पढ़ रखा होगा थोड़ा, तो एक अपने भी माइंड में साथ साथ आप ये कर सकते हैं मेरे साथ साथ। सो फर्स्ट assertion बेस्ड क्वेश्चन इज द मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर जहांगीर। अब इसमें कहा गया है कि मुगल पेंटिंग अपने एक पार एक्सेलेंस लेवल पे पहुंची थी जहांगीर के टाइम पे, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जहांगीर के टाइम पे भी मतलब पेंटिंग्स का अलग ही एक मुकाम था। The two most celebrated works accomplished during the times of Akbar was Tutinama and Hamzanama. ये भी सही है कि अकबर के टाइम पे ये दोनों मैन्युस्क्रिप्ट्स बने, बट इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ आपस में? हम यहाँ जहांगीर की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ हम अकबर पे आ गए। सो इस तरह से आपने जज करना है। मुगल पेंटिंग आपने पढ़ा है कि जेनिथ पे पहुंची जहांगीर का, इट्स ट्रू, ए इज़ ट्रू। मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स आर तूतीनामा, हमजानामा अकबर के, इट्स अगेन ट्रू। सो ऑप्शंस में क्या है? बी। ए एंड आर आर ट्रू, यहाँ आएगा बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ये इसका रीज़न सही नहीं है बट ये दोनों अपनी जगह पे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट इज द तूतीनामा बिलोंग्स टू द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तूतीनामा मुगल स्कूल से रिलेटेड है, ऑब्वियसली ये अगर मैन्युस्क्रिप्ट है तो ये मुगल से रिलेटेड है। तूतीनामा बेसिकली पता क्या है? टेल्स ऑफ अ पैरट, मतलब कोई कहानी है ऐसा कुछ ना, 52 स्टोरीज का एक पर्शिया में एक ऐसा है मैन्युस्क्रिप्ट तो जिसके बारे में बनाया गया है। सो रीज़न इज़ द इट इज़ द कंपाइलेशन ऑफ 52 स्टोरीज। वही रीज़न है कि ये 52 स्टोरीज़ का कंपाइलेशन है इन 250 मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें 250 के करीब पेंटिंग्स बनी हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसी का ही पार्ट लगता है क्योंकि हमने यहाँ बोला तूतीनामा बिलोंग्स टू मुगल एंड इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ 52 स्टोरीज एंड 250 मिनिएचर पेंटिंग्स। सो करेक्ट आंसर इज़ ए, assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So our next question is, they focused on hunting scenes, historical events and other court-related paintings. So हमने मुगल स्कूल पढ़ा है, उनमें hunting scene पे बहुत जोर दिया गया था और यही वो फीचर था जो यहाँ से राजस्थानी आर्टिस्ट ने कुछ ने लिया था, वहाँ पे भी बनने शुरू हो गए थे इस तरह से scenes. So they focused on hunting scenes, no doubt बहुत बने हैं, historical events भी बहुत बने हैं and other court-related painting जिसमें पूरा रॉयल स्प्लेंडर दिखता है। The Mughal school of painting declined during the reign of Akbar. So now this statement is wrong. Akbar ने तो इस्टेब्लिश करा था, अकबर ने तो एक डिपार्टमेंट बना दिया था पेंटिंग का, अकबर के टाइम पे तो इतना काम हुआ है पेंटिंग्स को लेके। सो दिस रीज़न इज़ रॉन्ग। सो हेयर वी कैन ऑप्ट द ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेहजाद वॉज अ पर्शियन आर्टिस्ट नोन एज रफ़ाइल ऑफ ईस्ट। यस, बेहजाद एक पर्शियन आर्टिस्ट थे और उनको रफ़ाइल ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। बेहजाद वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट अमंग ऑल द पेंटर्स ऑफ दैट टाइम। सो बेहजाद उस समय के कलाकारों में से बेस्ट थे, तभी उन्हें कोई उपाधि दी गई। ऑब्वियसली ये टर्म भी सही है क्योंकि बेहजाद का जो काम था ना वो मास्टर थे एक कैरेक्टर पकड़ने में, वो मास्टर थे स्पेस का यूटिलाइजेशन में। बहुत सुंदर उन्होंने स्पेस का यूटिलाइजेशन अपनी पेंटिंग्स में करा है। सो दिस वे इन दिस ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेकोरेशन विद बॉर्डर्स वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल पेंटिंग। येस, ये हमने पढ़ा है मुगल स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कि डेकोरेटिव बॉर्डर या हम कहें ऑर्नामेंटल बॉर्डर एक इतना स्पेशल फीचर है मुगल स्कूल का जो इसको बाकी स्कूल से भी अलग करता है। सो ये टर्म बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज दिस वाज द मेन इफेक्ट ऑफ इंडिजिनस आर्ट। नो, ये जो डेकोरेशन थी और ये जो बॉर्डर्स के ऑर्नामेंटल बॉर्डर का जो इन्फ्लुएंस था वो पर्शियन कहें या ईरानियन इन्फ्लुएंस था, इंडिजिनस आर्ट का इफेक्ट नहीं था। इंडिजिनस आर्ट होता है जो लोकल आर्ट हो, जो फोक आर्ट हो, जो उस स्टेट को या उस एरिया को बिलोंग करता हो। सो इन दिस ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल स्कूल वॉज अ वेल रिफाइंड एंड पॉलिश्ड बाय द पर्शियन इन्फ्लुएंस। यस, मुगल स्कूल में पर्शियन इन्फ्लुएंस था और यही बहुत रिफाइनमेंट जो उनके काम में था वो कुछ इस वजह से भी था। सो नेक्स्ट इज द जहांगीर रेन इज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ ग्रेट सिंथेसिस बिटवीन द इंडियन, पर्शियन एंड यूरोपियन एलिमेंट्स। सो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो कह रहे हैं कि वो इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन एलिमेंट्स का बहुत बेहतर तालमेल था उनकी पेंटिंग्स में। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऐसा था। और मुगल स्कूल में पर्शियन प्रभाव भी था, बट ये अलग है और ये अलग है, जैसे इनका रिलेशन हमें नहीं दिखता है आपस में। सो हम ये कहेंगे ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औरंगजेब वॉज अ फेनेटिक मुस्लिम रूलर। बिल्कुल, वो कट्टर, एक बहुत ही कट्टर मतलब एम्परर था और उसने मतलब उसको बहुत नफरत सी थी एक आर्ट, म्यूज़िक, डांस से। इन हिज टाइम जेनिथ ऑफ पेंटिंग्स वर मेड। कैसे बन सकती हैं, जिस आदमी को हो ही नफरत आर्ट और उससे, तो पेंटिंग्स कहाँ से बनेंगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ फॉल्स। आईने अकबरी वॉज पेंटेड बाय अबुल, एक मिनट, Āīn-e Akbarī was painted by Abul Fazl and 1400 events were painted in Āīn-e Akbarī। सो आईने अकबरी अबुल फजल की ही बनाई हुई है और इसका रीज़न जो इन्होंने दे रखा है 1400 इवेंट्स वर पेंटेड इन आईने अकबरी। सो इट्स ट्रू। सो हेयर द आंसर विल बी ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर हैज़ स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन दिन-ए-इलाही इन 1582 AD। ये हमने पिछले जो फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा है कि अकबर ने ये नया रिलीजन शुरू किया था। सो ये स्टेटमेंट तो यहीं सही प्रूव होती है कि एजर्शन बिल्कुल ठीक है कि अकबर हैज स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन। नेक्स्ट इज द दिन-ए-इलाही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडरशिप प्रोग्राम propounded by मुगल्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो इसका assertion और रीज़न भी इसका जस्टिफाइड है। सो हेयर द आंसर इज A and R are true, assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Next question, Anwar Sunahli is an Arabic version of Panchatantra। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पंचतंत्रा, अनवर सुनहली जो है ये हमारा ही पंचतंत्रा का अरेबिक वर्जन है। सो पंचतंत्रा इज़ एन ओल्ड इंडियन फेबल, बिल्कुल सही है। ये आपने सुन भी रखा होगा कहीं कि ओल्ड इंडियन फेबल है। सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज़ द अकबर्स कोर्ट आर्टिस्ट बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। क्योंकि वो एक लिबरल राजा था, उसको आर्ट मतलब या उसमें इतना वो उन चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देता था कि वो कास्ट एंड क्रीड पे कोई फ़र्क नहीं करता था। ऐसा नहीं था उसके में कि सिर्फ मुस्लिम्स ही काम करेंगे और हिंदू नहीं करेंगे, वो टैलेंट को जगह देता था। रीज़न इज़ हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन द डिपार्टमेंट, हिज रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज हिज एक्टिव एसोसिएशन विद द हिंदूज गेव एवरी काइंड ऑफ इनकरेजमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मतलब उसकी जो रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब जो उसका भेदभाव ना करना, और एज वेल एज द एक्टिव एसोसिएशन विद द हिंदूज, जो उसको अच्छे काबिल लगते थे वो उनसे काम करवाता था या अपने वो इनाम भी देता था। एंड एवरी काइंड ऑफ इनकरेजमेंट, उपाधियाँ वो देता था, इनाम भी देता था। सो क्या ये इस तरह गिव एवरी काइंड ऑफ इनकरेजमेंट टू द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब ये जो बात कही गई है इसका रीज़न बिल्कुल सही है। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 88, द आर्ट ऑफ पेंटिंग सॉ अ डाउनफॉल इन द टाइम ऑफ शाहजहाँ। शाहजहाँ वॉज मोर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर। उसके डाउनफॉल का रीज़न भी यही था, डिक्लाइन का रादर हम कहेंगे कि थोड़ा सा पेंटिंग की तरफ उसका ध्यान कम हो गया था, जिस वजह से पेंटिंग्स में डाउनफॉल आ गया था। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, दारा शिकोह एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ वॉज अ ग्रेट आर्ट लवर एंड लिबरल पेट्रन। दारा शिकोह शाहजहाँ के बड़े बेटे का ही नाम था और उसको आर्ट में इंटरेस्ट था। But next reason पढ़ें, दारा शिकोह's premature death gave a setback to the art of miniature painting. और ये भी सही बात है क्योंकि उसका premature death की वजह से ही फिर आर्ट को फिर उतना नहीं मिल पाया और धीरे धीरे ये आर्ट डिक्लाइन की तरफ चला गया. So the correct answer is A. Assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Next question. Aurangzeb was a bitter enemy of painting and music. This we have read. Yes, absolutely true. And Mughal artists ran towards the hill state. क्योंकि वो इतना कट्टर था, जब आर्टिस्ट को कुछ करने को नहीं मिलेगा वो तो भूखे मरने लगे. जब आप काम ही नहीं कर सकते तो वहाँ से वो आर्टिस्ट भागे और जो भागे वो हिल स्टेट्स में जाके छुपे जहाँ से फिर पहाड़ी स्कूल पनपा था. ठीक है. सो आंसर इज ए. Assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of A. Next is the ornamental borders are the special feature of Mughal miniatures. बिल्कुल सही. There is an effect of Iranian art on Mughal paintings. हाँ, अब ये क्वेश्चन सही बैठता है कि ornamental borders बने मुगल में क्योंकि वो Iranian art का प्रभाव था. So here assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next is a religion has inspired many artists in Mughal paintings. Hindu, Islamic, Arabian and Persian mythology themes were painted in Mughal school. Obviously बहुत इंस्पायर करा तभी इतना रिलीजन पे काम हुआ है. हर धर्म को लेके काम हुआ है. ठीक है ना. और क्या क्या बना उसके लिए, हिंदू भी बने, इस्लामिक थीम्स भी बने, अरेबियन भी बने, पर्शियन माइथोलॉजी पे भी बने. So in this again assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. In Mughal paintings we find beautiful ornamental designs on wall of palaces, ceilings and floors. आपको ये paintings में दिखेंगे ही. खैर आपकी book में हैं ही 2-4 paintings तो इतना नहीं आप देख पाएंगे, लेकिन अगर आप Google search भी करके देखेंगे तो आप इन paintings का level वहाँ से देख सकते हैं. और ये जो designing की हम बात कर रहे हैं, सो अगर नहीं भी देखना तो समझ लें कि हाँ ये हुआ है सब कुछ. एंड डिज़ाइंस आर ज्योमेट्रिकल, फ्लोरल, रिदमिक एंड स्मूथ. हर तरह का डिज़ाइन बना है. ज्योमेट्रिक थे ज़्यादातर, फ्लोरल भी बने हैं जो हमने बॉर्डर्स में पढ़ा है, एंड बहुत रिदमिक एंड स्मूथ मतलब पेंटिंग हुई हैं उनकी. असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Mughal style was responsible for the amalgamation of indigenous theme. Amalgamation means एक हिंदी में वर्ड नहीं, मतलब मिक्सचर कह लें या मुझे प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है. तो मुगल स्टाइल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमेलगमेशन ऑफ इंडिजीनस थीम, कि वो उसके मिक्सचर से ये चीज़ें बनी थी या ये स्टाइल बना था. क्योंकि हमने देखा है ना, एक इंडियन आर्ट भी मिला और पर्शियन आर्ट मिला, तो उनके मिक्सचर से एक चीज़ बनी है मुगल आर्ट. द आर्ट ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स अ सिंथेसिस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. फॉरेन इन्फ्लुएंसेस थे जो हमने जहांगीर के टाइम पे भी पढ़ा कि यूरोपियन मिशनरीज़ का काम भी हुआ था, उन कोर्ट्स के मतलब वो भी काम रखवाए जाते थे या इनको भी इंटरेस्ट था. बट इसका इंडिजिनस थीम या एमलगमेशन या इसके ओरिजिन का मतलब जिस इसके स्टाइल के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है. सो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस का इस मुग़ल के स्टाइल में कोई लेना देना नहीं है. सो इसलिए मुग़ल स्टाइल वाज रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में सही है. बट असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में समझना है. दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हो सकती हैं बट आपस के कनेक्शन में नहीं भी सही हो सकती. सो इस क्वेश्चन पे आने, ये आपको 5 ही क्वेश्चन है तो ये 2.5 नंबर का आपके ऑलमोस्ट ये है. बट स्टिल जो बच्चे 15 और 15 के लिए टारगेट अगर हम रखते हैं तो हमको उस हिसाब से ये चाहे 5 क्वेश्चन भी असर्शन रीज़न बेस्ड करने हैं तो हमें समझ के करने पड़ेंगे. और इसमें एक चॉइस भी आएगा आपको. आई वुड सजेस्ट कि चॉइस भी ज़रूर अटैम्प्ट करना, यूँ छोड़ के कुछ मत आना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. Question number 95. Haji Madni belongs to Shah Jahan period. True. हाजी मादनी बिल्ट ताजमहल इन आगरा. ये क्वेश्चन आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था और उसको जब मैंने सॉल्व करा था सैम्पल पेपर को, उस लेक्चर में भी मैंने बोला था कि हाजी मादनी एक आर्टिस्ट है, वो अकेला ताजमहल नहीं बना सकता जाके. सो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है. हालांकि वहाँ पे ये था कि ये ट्रू है बट मुझे लगता है कि आंसर की शायद प्रिंट होने में कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई है. तो इसका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सो ये हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ जो मुग़ल स्कूल से रिलेटेड हैं. और अब जो मैं आपको आगे आपके साथ जो स्लाइड शेयर करने वाली हूँ उसमें ये एक टेबल है. मैंने वो क्वेश्चंस बीच में स्लाइड में नहीं डाले हैं ज़्यादातर जैसे अगर हम यही सब करें कि नॉर्मली आपको ये मिल जाएंगे हर जगह कि हु मेड कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, उस्ताद मंसूर ने कौन सी बनाई, शाहजहाँ की कौन सी पेंटिंग है, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट किसके अंडर बनी। सो ये सब जो है आप एक टेबल लर्न कर लें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं कि अकबर के अंडर कौन सी पेंटिंग, जहांगीर के अंडर कौन सी पेंटिंग, शाहजहाँ के अंडर कौन सी पेंटिंग, मिस्किन की कौन सी पेंटिंग है आपके सिलेबस में, उस्ताद मंसूर की कौन सी है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान की कौन सी है और हाजी मादनी की कौन सी है। सेम वे यू हैव टू लर्न द टाइटल्स ऑल्सो कि कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना किसने बनाई और किसके पीरियड में बनी। तो जैसे हम सब्जेक्टिव में मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती थी कि आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करके जाना है, सो इन MCQs ऑल्सो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी मैच द कॉलम आ जाए तब भी आप कर लेंगे, सिंगल पूछा जाए तब भी आप कर लेंगे। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फालतू में बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। सो आप इस टेबल को लर्न कर लें तो काफ़ी हद तक बेसिक्स आपके इसी टेबल में क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है ये चीज़ें आप कुछ टिप्स पे रख लें कि उस्ताद मंसूर जो थे वो बर्ड पेंटर थे। एनिमल पेंटर कौन रहे हैं फेमस? अबुल हसन। सिंबॉलिक पेंटर मुगल्स के कौन रहे हैं? विचित्र। और पोर्ट्रेट पेंटर कौन रहे हैं? बिशनदास। सो ये भी एक बारी आप नोट कर लें, क्वाइट पॉसिबल आ जाए। वैसे आई विश कि इस तरह का टेढ़ा क्वेश्चन आपको ना ही आए तो बेटर है, बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी कि आप लोगों को सारे नोट्स जितने हो सके प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर्स। एक बारी इनके नाम और आप इनके टाइम पीरियड अच्छे से एक बारी देख रखें या लर्न करने हो आप लर्न कर लें। सो द करेक्ट ऑर्डर इज़ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। एंड नेक्स्ट इज़ द फ्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स इलास्ट्रेटेड इन अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम पे जो जो मेन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बने हैं उनके नाम यहाँ हैं, एक लिस्ट दे दी गई है, आप इस लिस्ट को भी लर्न कर सकते हैं। द तवारीखे खानदाने तैमूरिया, रज़मानामा जो कि अपना महाभारत है, बखत बाबरी, अकबरनामा, अनवर सुनहली, ज़फ़रनामा, आईने अकबरी, हमज़ानामा, बाबरनामा, ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो अकबर के टाइम पे बने हैं। नेक्स्ट हैं ये जो पेंटर्स जो अकबर के कोर्ट के फेमस पेंटर्स रहे हैं, जिनमें से मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस समद ये तो हेड थे, ये आपको पता है, दो आर्टिस्ट वो लेके आए थे। हुमायूं जिन्होंने आगे बहुत काम किया और अपने इंडियन आर्टिस्ट को भी बहुत ट्रेंड किया था इस टेक्निक में। मीर सैयद अली ऑफ तबरेज़ एंड ख्वाजा अब्दुस समद ऑफ शिराज। देन बेहजाद, बाग, मनोहर, मिस्किन, दसवंत, दौलत, मंसूर, लाल, दसवंत, केसू, गोवर्धन, जगन्नाथ, मुकुंद एंड इनायत। इसी तरह कुछ लिस्ट है जहांगीर कोर्ट के पेंटर्स की, वो हैं उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, बालचंद, विचित्र, मुखलिस, दौलत, रिजा, भीम, इनायत। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये MCQ सीरीज़ में इस पूरे मुग़ल स्कूल में या फिर पिछले राजस्थानी स्कूल में कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे जो फर्दर मुझे टिप्स देनी होंगी वो मैं MCQ से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर उतना तो बच्चों में उतना पेशेंस ही नहीं होता, वो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे आप। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।